मैंने सोचा दुबई आया हूँ तो एक फ़ोटो फ्रेम ही बनवा लेता हूँ। तो मैंने बोला सबसे अच्छी फ्रेम कौन सी है यहाँ दिखाना ज़रा, तो उन्होंने मुझे ये वाली फ्रेम दिखाई। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये वाला व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये व्लॉग दुबई से है। यस, ये पहला व्लॉग है जो दुबई से मैं बना रहा हूँ। पहले मैं दुबई आ चुका हूँ दो या तीन बार, बट ये व्लॉग मैं पहली बार बना रहा हूँ, शूट पहली बार कर रहा हूँ मैं दुबई से, इसीलिए थोड़ा सा स्पेशल है। तो इस वाले व्लॉग में हम लोग थोड़ा सा दुबई एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जाएंगे आज दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो इस वीडियो में आगे देख लेना। तो दुबई फ्रेम थोड़ा सा छोटा सा है, लाइक एक दो घंटे में कवर हो जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं है। पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड शुरू करते हैं हमारा दुबई फ्रेम का एक्सपीरियंस। इधर नहा के निकलने का कोई सेंस नहीं है, आप नहा के निकलते हो और रास्ते में अगेन पूरे गीले हो जाते हो, भयंकर गर्मी। ये फ्रेम है कि क्या है, बहुत बड़ी फ्रेम है, आई गेस दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेम है, और कोई बनाता भी कहाँ है, सिर्फ दुबई में ऐसी चीजें होती हैं सबसे बड़ी। ज़्यादा ही बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, ऊपर देखने के लिए भी गर्दन में दर्द हो जा रहा है। अबे आते से यहाँ पे हमारी फ़ोटो खींच ली और ये हमारी फ़ोटो हमको ही बेचेंगे, हम तो नहीं खरीदेंगे। तो वी आर एट द टॉप ऑफ द फ्रेम। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक साइड ओल्ड दुबई दिखता है, एक साइड न्यू दुबई दिखता है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका और कुछ नहीं है। वन टाइम विजिट के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी हम यहाँ पर वॉक कर सकते हैं ग्लास के ऊपर, जहाँ पर वो कभी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कभी ओपेक हो जाता है, तो उस पर वॉक करते हैं और क्या, और बाकी देखते हैं अंदर का और क्या क्या माहौल है। Thank you.
देखने लायक चीज़ सिर्फ वो थी कि हाइट से आपको दुबई कैसा दिखता है नीचे से, अदरवाइज रेस्ट ऑल इज़ जस्ट लाइट्स एंड थोड़ा प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ हर जगह। तो इट्स जस्ट रात को, अगर इवनिंग के टाइम पे आओगे, रात को भी नहीं तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, अर्ली मॉर्निंग में अच्छा व्यू आएगा आई बिलीव सो। सो दैट वॉज एन गुड एक्सपीरियंस, थोड़ा मज़ा आया, बस वन टाइम एक्सपीरियंस था, बार बार आके कोई मतलब नहीं है।